बैंगन की सब्जी कई तरीके से बनाई जाती है, जिनमें से भरवा बैंगन सबसे अधिक पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि जो लोग बैंगन खाना पसंद नहीं करते हैं, वे भी इस अलग रेसिपी से बनाया गया भरवा बैंगन पसंद करने लगेंगे। तो आइए आज हम भरवा बैंगन बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विनीता। इंडिया किचन में आपका स्वागत है। भरवा बैंगन बनाने के लिए हमने यहाँ 4 बैंगन लिए हैं, साथ ही हमने 2 प्याज को बारीक काट लिया है। इसके साथ हमने यहाँ लिया है 1/2 टीस्पून अमचूर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 1/2 टीस्पून जीरा। तो भरवा बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे और उसमें हमारी कटी हुई प्याज डाल देंगे। साथ ही इसमें सिर्फ जीरे को छोड़कर बाकी सभी मसालों को एक एक करके बारी बारी से डाल देंगे और इसके बाद थोड़ा सा तेल भी डाल देंगे। अब हम इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसी बीच हमने हमारे सभी बैंगन को अच्छी तरह से धोकर इनके बीच में वर्टिकली यानी लंबाई में चाकू की मदद से स्टफिंग करने के लिए चीरा लगा लिया है। और अब हम इसके अंदर हमारे ये तैयार किए हुए मसाले को धीरे धीरे अच्छी तरह से भरते जाएंगे। ये देखिए, हमने इन सभी बैंगनों में स्टफिंग कर ली है। आइए अब हम भरवा बैंगन बनाने के बाकी के प्रोसेस को देखते हैं। इसके लिए अब हम एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे और इस ऑयल के गर्म हो जाने पर हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे और इसे करीब 30 सेकंड तक भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें हमारे सभी स्टफ किए हुए बैंगनों को डाल देंगे और इन्हें कुछ देर चलाने के बाद इनको करीब 15 से 17 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, लेकिन साथ ही इन्हें 5-5 मिनट के अंतर में बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। तो अब करीब 15 मिनट हो गए हैं और अब हम देख लेते हैं हमारे भरवा बैंगन बनकर के तैयार हो गए हैं कि नहीं। जी हाँ, ये देखिए, ये सभी बैंगन अच्छी तरह से पक गए हैं और इनमें से बड़ी ही अच्छी खुशबू आने लगी है। और अब हमारे ये भरवा बैंगन पूरी तरह से बनकर के तैयार हो गए हैं। तो आपने देखा कि इन्हें बनाना कितना इजी है। इसे आप दाल चावल या खिचड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी इसे ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन पे शेयर करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कृपया मुझे नीचे लिखकर पूछें। मैं उनका उत्तर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कृपया मेरी इस रेसिपी को लाइक करें,
अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस भी करें, जिससे कि मैं जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।